अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के साथ कस्टम डोमेन अटैच कर सकते हैं। कस्टम डोमेन से मुराद, लेट्स सपोज मेरी डोमेन है ehsandanish.com, तो लेकिन अभी जो हमारी वेबसाइट है वो एक सब डोमेन के ऊपर है। हम अगर लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आएँ और यहाँ पर देखें, तो अगर मैं लेट्स से इसको व्यू करूँ, तो अभी तो ये एडिटर मोड के अंदर है, लेकिन अभी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया। जब मैं इसको पब्लिश करूँगा या यहाँ से मैं विजिट साइट करूँ, तो मे बी हमारे पास सब डोमेन ही आई। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सब डोमेन आ रही है, ठीक है, तो जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट जो है शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी कोई वेब डोमेन लगाऊँ, लेट्स सपोज ehsandanish.com, तो वो मैं किस तरह से लगाऊंगा, इसको रिप्लेस किस तरह से करूंगा। तो हम आ चुके हैं एडिटर के अंदर वापस, और यहाँ पे देखें ऑप्शन है हमारे पास। अगर मैं इसको बैक टू एडिटर करूँ, तो इस एडिटर के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है कनेक्ट योर डोमेन। उसके बाद सेटिंग्स के अंदर देखें, यहाँ पे ऑप्शन है कनेक्ट योर डोमेन, तो कोई भी ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा, डैशबोर्ड में भी ये सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें दो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं कि गेट अ न्यू डोमेन नेम, कनेक्ट डोमेन यू ऑलरेडी ओन। लेट्स सपोज आपने कहीं और से डोमेन बाय की हुई है, बहुत सारे और प्रोवाइडर्स हैं, नेम चीप है, गो डैडी है, आपके क्लाइंट की जो डोमेन है वो ऑलरेडी उसने कहीं और से बाय की और वो चाहता है कि वो उसको अपनी विक्स की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करे, तो आप फिर उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को चूज़ करते हुए। अदरवाइज अगर वेबसाइट आपकी जो क्लाइंट है या आपने जो डोमेन नहीं ली, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी डोमेन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको आप ऐड कर लेंगे। बट ऐड करने के लिए आपको अपना प्लान विक्स का अपग्रेड करना पड़ेगा। फ्री प्लान के साथ आप कस्टम डोमेन नहीं ऐड कर सकते, ये हमने स्टार्ट के अंदर ही डिस्कस किया था। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों इसको ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो कस्टम डोमेन है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। राइट नाउ ये मुझे कहेगा अपग्रेड करने का, लेकिन राइट नाउ आई डोंट वांट टू अपग्रेड इट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यूज़ करना है और इस तरह से आप अपनी जो कस्टम डोमेन है वो अटैच कर सकते हैं अपनी विक्स वेबसाइट के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।